नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद मैं जयपुर के अंदर और जयपुर में सहकार मार्ग में हूँ, जहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और इस बीच लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों पर उतर कर इंटर मेघवाल के लिए न्याय मांग रहे हैं और उन तमाम लोगों से आपकी बातचीत करवाएंगे। कुछ लोग एससी के ऊपर और जिस तरीके से यहाँ पे इंद्र मेघवाल के लिए न्याय मांगते नजर आ रहे हैं और इन तमाम लोगों की आप भीड़ देखिए, भीड़ जो लगातार इस तरफ है, जो लगातार मांगते हैं इंद्र मेघवाल को न्याय दो। लेकिन फिर भी अभी तक पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारी आक्रोश है। उन लोगों से जानेंगे कि आखिर रियल में जो क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या उनका विचार है, किस तरह से वो आगे की रणनीति बनाएंगे, इन तमाम सवालों के साथ में उनसे बातचीत करवाएंगे। और करीबन 6-7 लोग अभी तक टैंकी के ऊपर मौजूद हैं, सुबह से वो वहीं पर हैं, बिना खाना खाए भी वहीं पर बैठे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और उन्हीं से बात करवाएंगे कि आखिर पूरे मामले पर अभी तक किस तरह की सारी मांगे मान ली गई है, किस तरह की मांगे रखी गई है, उन लोगों से जानेंगे। आजादी, 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 आजादी। अब हम सब लोग शांत बैठने वाले नहीं है और तमाम राजस्थान के संगठनों से निवेदन करता हूं, आज शाम तक अधिक से अधिक संख्या में जयपुर की तरफ आप शुरू करें। शाम तक अगर कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होती है तो हम सुबह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका हर्जाना खर्जाना पूरे राजस्थान सरकार को पूछना पड़ेगा। हनुमान जी साता है और वो लोग कभी भी वहाँ से गिर सकते हैं, हमें पूरी आशंका है। राजस्थान सरकार ने इतनी लापरवाही बरती है और इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि अभी तक कोई सूझ बूझ नहीं है। अगर हमारे साथी किसी भी रूप से मानसिक संतुलन खराब होकर अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की रहेगी। आज शाम तक अगर न्यायोचित कोई भी फैसला सरकार नहीं देती है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं हम कि कल के दिन में पूरा राजस्थान उगलेगा और पूरी राजस्थान सरकार की हम नींव खाने का काम करेंगे। लोगों की यहाँ भीड़ है और जिस तरीके से काफी लोग अभी तक टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ये काफी बातचीत भारी बारिश है और भारी बारिश के बाद में भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। भारी बारिश दामोद में जो छिंदवाड़ा में जो अनुसूचित जाति छात्र था, इसके बाद उसकी जो हत्या हुई है विद्यालय के संचालक द्वारा, इस मामले में जायज मांगों को लेकर के और 50 लाख के उन्होंने और सरकारी नौकरी तथा जो भी पुलिस कर्मी थे जिन्होंने इस परिवार को दबा कर दिया, मारपीट करके अधिकारियों के साथ मारपीट करके सबको सरकार को पूछताछ उन्होंने जबरदस्ती करवाया। भारी बारिश के दौरान भी अभी तक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आक्रोश पूरे राजस्थान के अंदर है और राजस्थान ही नहीं अभी तो समूचे भारत के अंदर जिस तरह से जो हत्याकांड हुआ है, जालौन प्रकरण हुआ है, उसके अंदर जिस तरह से पूरे देश के अंदर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं सहकार मार्ग पर हैं और ज्योति नगर के आसपास यहाँ पे टंकी पर कुछ चढ़े हुए लोग तमाम मांगे रख रहे हैं। इसी के साथ में हम कुछ लोगों से बातचीत करवाएंगे कि आखिर पूरी मांगे क्या क्या है इनकी और किस तरह से अभी तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सुबह से बारिश भारी बारिश के बाद में भी यहाँ अभी तक मौजूद है। आपका नाम? मैं रोहन जैन हूँ और जिस
सिंह सेंट्रल काशीराम जी का मैं संदेश करूँ पूरा मामला आप थोड़ा बता दीजिए जी। मामला पहले तो आपको मुझे बताया कि चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सहमत दिखा करके आए और इसको इसको मामला ये है कि जालौर में देखिए इसके कल हमारा कुमार का बच्चा पढ़ने जाता है 8 वर्ष का तीसरी क्लास में पढ़ता था और एक निर्मम अध्यापक द्वारा उस बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने मट्टी से पानी पीने की जरूरत कर आखिर ये कब तक किस देश का ये देश में कब तक चलेगा। तो हम ये कहना ये चाहते हैं कि जब सामाजिक न्याय हो तो बराबर सिद्धांतों के आधार पर होता है लेकिन गहलोत की सरकार द्वारा एक कनायक की जब हत्या होती है क्योंकि वो हत्या किसी मुस्लिम भाई द्वारा कर दी गई थी उसको 50 लाख रुपए दो आदमी को रोक ली और गहलोत खुद आंसू पोंछने जाते हैं। हम इसका प्रतिकार विरोध नहीं करते हैं लेकिन जितेंद्र में एक बार जब मूर्ख रखने पर हत्या कर दी जाती है उसको 5 लाख नौकरी नहीं तो दोहरापन हिस्सा जाने से ज्यादा समय पर चलने वाला नहीं है। हमारा ये जो जनजातीय बच्चे हैं ये सामाजिक न्याय के लिए चढ़े हैं हमारे कहने से नहीं चढ़े हमें समाचार मिले कि हमारे बच्चों पर चढ़े और हमारे हम इनके समर्थन के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। जब तक वो डटे हुए तब तक हम यहाँ पर डटे हुए सरकार द्वारा एक आक्रोश की बात बड़े दर्द की बात बताना चाहता हूँ। सुबह से उठे पैसे वहाँ पे बैठे हुए हमने अनुरोध किया प्रशासन से कि चाय पानी वहाँ पहुँचाने दीजिए उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है लेकिन हमें वहाँ पर भी हमारे लोगों को नहीं पहुँचने दिया जा रहा ये बड़ी दुख की बात है। प्रजातंत्र में आंदोलन करना तो प्रक्रिया हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हम कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करा पुलिस प्रशासन द्वारा सबका सेवाओं से हमको ले जाया गया और हमने हम अपनी बात रखी है उन्होंने हमें को एक निश्चित आश्वासन ऐसा दे दिया है जिसे हमें लगे कि हम इन बच्चों को भाई नीचे आ जाइए और हमको लेने पर पहुँच पाए। उम्मीद करते हैं शाम तक कोई बात हो प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिले सीधा और साफ बातचीत है कि अभी तक अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी और सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी जो 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 इन्होंने मांग रखी है तो आंदोलन आगे भी हो सकता है उग्र आंदोलन हो सकता है और जिस तरीके से नारेबाजियां हो रही है उस पर